हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है मोनू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मोनू टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो के कस्टमर केयर नंबर के बारे में। अगर आपका कोई भी कंसर्न है वीवो से रिलेटेड, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वीवो का, या फिर आपका वीवो से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कस्टमर केयर में कैसे कॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा मिलते रहते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक नंबर डायल करना है स्मार्टफोन में। तो आपको अपने स्मार्टफोन में नंबर डायल करना है 1800 102 3388। दोस्तों, ये वीवो का कस्टमर केयर नंबर है। आप इस पर कॉल करेंगे तो आपकी जो कॉल है वो एजेंट से कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ पर आप वीवो से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इंडिया में आप कहीं से भी इस नंबर को डायल कर सकते हैं और आपकी जो बात है वो डायरेक्टली इनसे हो पाएगी और आपका जो भी कंसर्न है, जो भी आपको जानकारी लेनी है, इनसे आप ले सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको किसी स्मार्टफोन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर किसी स्मार्टफोन का प्राइस पता करना है, या फिर कोई भी फीचर आपको पता करना है, तो सारी चीज़ें आप इनसे कंसर्न कर सकते हैं। कॉल पे आप इनको बात कर सकते हैं और जो भी आपका कंसर्न है आप इनको बता सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कर देंगे और ये इंडिया में टोल फ्री नंबर है, आप कहीं से भी इसको डायल कर सकते हैं। इसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं, ये नंबर टोल फ्री होता है और ये कहीं से भी डायल हो जाएगा, किसी भी स्मार्टफोन से, किसी भी फ़ोन से आप इस नंबर को डायल करके इनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।